जी हाँ सर, सब चेक कर रहे हैं। हाँ सर, ठीक है सर। ए, इस बैग में क्या रखा है? मेरी बेटी स्कूल के लिए लेट। सब लोग अपने बैग दिखाओ, चलो। ए, क्या इस बैग में? हाँ सुनो, किसी का भरोसा नहीं कर सकते, आदमी और औरतों सबके बैग चेक करो, ठीक है? कोई छूटना नहीं चाहिए। ए, ला तेरा बैग, ला ला। सर जल्दी करो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है मुझे। ए, बैठ जा। हम पोस्ट पे पहुंच गए हैं सर, और चेकिंग शुरू कर दी है। सारी गाड़ियों को चेक कर रहे हैं सर। चल निकल। सर इधर से निकलने वाली हर गाड़ी चेक की है हमने। खबर तो ड्रग्स की मिली थी, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। हम लोग मिल के कुछ ढूंढ नहीं पाए सर, ये कुत्ता क्या ढूंढ लेगा बताइए। अबे वो आम कुत्ता नहीं है, ड्रग्स से लेके बम तक वो कुत्ता सब कुछ सूंघ लेता है। सर, सर। ये कुत्ता ढूंढ लेगा सर? क्या कह रहे हो तुम? वो मेरा बेटा है। देख रहे हो, वो तुम्हारी तरह पैसों के लिए वर्दी पहनकर काम नहीं करता है। यूनिट 320 रिपोर्टिंग सर, बस में मुजरिम पकड़ा गया। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को सौंप रहे हैं सर। लुईस ब्रेल ने दृष्टिबाधितों के लिए पढ़ने और लिखने की प्रणाली का आविष्कार किया। इन दोनों लड़कियों को मेरे हवाले छोड़कर वो तो शांति से चले गए। इन दोनों लड़कियों ने मुझे परेशान करके रखा है। तुम्हारे चाचा ने तुम्हारे लिए कितने सारे रिश्ते भेजे, उनमें से एक भी लड़का तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? आप भी नमा हा? उसके लिए ये सब सही नहीं है माँ। आप लड़का ढूंढ लो, मैं करती हूँ शादी। बेशरम लड़की, अब क्या चाहती हो, मैं शादी करूँ या नहीं? हाँ वहाँ एक फोटो पलट कर रखा है मैंने, उस लड़के को ओके कर दो। रिलैक्स, हो गया, अब कल मिलते हैं। अरे रे, ये मेरी बहन का पति बनेगा? आपको भी पसंद आया क्या? मेरा पति मुझे पसंद आए काफी है। तू जा, किसी को तो पसंद किया उसने। अच्छा माँ, शादी के लिए मेरे कंडीशंस याद है ना तुझे? उनको तुरंत इंस्पेक्टर का काम मिलना चाहिए। वो सब मिल जाएगा, तेरे चाचा को लड़के के घर पे बात करने के लिए कहती हूँ। तमिलनाडु में स्कूल के बच्चों का ड्रग एडिक्शन, खबर ये आई है कि नेशनल कमीशन। ललिता क्या है? कड़े नियम बनने वाले हैं। सब्जी में गलती से भी नमक ज्यादा मत डालना। हाँ, पहले आप अपने बेटे को जाकर उठाइए। हाँ, मेरा बेटा, मेरा बेटा तो तेरी सब्जी की खुशबू से ही उठ जाएगा। ओए क्या कर रहा है? कुछ नहीं। सो रहा है तू? नहीं, पिक्चर देख रहा था। पहले तो मेरी बात ठीक से सुन, अंकल के भेजे गए फोटोज में तेरा फोटो भी मिलाकर वही सिलेक्ट करके घर पे बताया कि तू ही पसंद आया। चलो अच्छी बात है, वो तेरे घर पे बात करने आएंगे, रेडी रहना, ठीक है? इधर तो कुछ भी नहीं है, पापा ने सब खा लिया क्या? अरे माँ, अच्छा अच्छा डैनी के लिए फिर से पकवान बने। माँ, इन्होंने मुझे जन्म दिया है कि उस कुत्ते को जन्म दिया? ए, आवाज नीची कर, इनके सुनने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर डैनी ने सुन लिया ना तो वो गलत समझ लेगा, समझा? अचानक कैसे आना हुआ? भैया, उस कुत्ते की जितनी परवाह करते हो उससे आधी परवाह तो अपने बेटे की कर लिया करो, वैसे भी तुम एक हार्ट पेशेंट हो। भाई, इस कुत्ते का खाना भी उसी कुत्ते की वजह से है, गवर्नमेंट का पैसा लेकर हम तीनों को खिलाकर वो खुद के पैरों पर खड़ा है। हाँ। एक बार एसआई का रिजल्ट आने दो, उसके बाद उस कुत्ते के आगे नहीं इस कुत्ते के आगे झुकेंगे सब लोग। अबे ओए, एसआई पोस्ट क्या बाएं हाथ का खेल है, दुकान में बिकती है क्या? हैं, अहमियत पता है उसकी? ये सब बहस छोड़ो, मैं जो रिश्ता लाया था बस अब उसे पक्का कर दो। देखिए, दोनों परिवार के लोग आपस में एक दूसरे को अच्छी तरह जानते ही हैं। बस दोनों राजी हो जाएं, हमें क्या प्रॉब्लम है? एक बात कहनी थी, मुझे लड़का पसंद आया। ऐसा दीदी बोल रही है। तो सोचना क्या है, बात पक्की है तो बस अब जल्दी से शादी की तारीख पक्की कर दो, वरना मैरिज हॉल मिलना मुश्किल हो जाएगा। आज से तीसरे महीने में 24 तारीख रविवार शुभ दिन है, वो ये दिन और तारीख तय कर दें। तैयार तो ऐसे बैठे हैं जैसे खुद की शादी हो, कहा था सगाई है लेकिन दूल्हा तो दिख नहीं रहा। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है?
क्यों बे, तेरी वाली यही है क्या? अबे वो लड़की की अम्मा है। लड़की बगल में बैठी है उसके। बेटी से ज्यादा तो माँ सुंदर है। क्या बात है, तेरी तो निकल पड़ी है। कब आया तू? नमस्ते अंकल। लो बेटा, देखते हैं तुम्हारे आने से शायद इसकी नौकरी लग जाए। भाई इसके बाद तो तेरी जिंदगी झिंगा लाला। घबराइए मत, टेस्ट के टाइम थोड़ा बहुत चिल्लाएंगे बस। ले बेटा तेरा खाना। डैनी ये ले। वहाँ बेचारे डैनी का टेस्ट चल रहा है और आप यहाँ बैठ के शराब पी रहे हो। मेरे साथ पढ़ने वाले सारे दोस्त मस्त एसी बार में बैठ के चिकन तोड़ रहे हैं और दारू पी रहे हैं, वो भी महंगी इंपोर्टेड वाली। और मैं इस कुत्ते के साथ फंसकर ताड़ी संतरा और चना मूंगफली खा रहा हूँ। ये हो गया 45। आपके लिए ये भी बहुत ज्यादा है। बकवास करता है। ए, ये खाना कुत्ते का है ना? नहीं भाई, 2-in-1 है। 2-in-1? हाँ। तू मेरी गिनती भी कुत्तों में करने लगा है। इनके साथ रह के ये भी ऐसा ही हो गया है। इसकी बास कितनी गंदी है। अब इतनी सस्ती दारू लाओगे तो बास ही मारेगी ना। नजर लगा रहा है, आज तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। आप बहुत कंजूस आदमी है। एक बात बोलूं, डिपार्टमेंट में आपका बड़ा नाम है क्योंकि आप महंगे महंगे और अच्छी ब्रीड के कुत्ते रखते हो। हमें कौन पूछता है, हम तो देसी हैं और देसी कुत्ते रखते हैं। तो चुप रहे, विदेशी कुत्ते पालेगा। किसी दिन उस डॉक्टर को काट डालूंगा मैं। जब से उस कुत्ते को उसने मेरा नाम दिया है, जिंदगी बर्बाद हो गई है। ए डॉक्टर, ऐसा श्राप दूंगा तुझे कि उसका इलाज बंगाली बाबा के पास भी नहीं होगा। अरे तुम तो दारू के लिए कुत्तों की चीजें तक डॉक्टर को भेज देते हो। एक दिन इसके खाने में ना कॉकरोच ही डाल दूंगा मैं। इस मोटे के ऊपर मुझे थोड़ा भी भरोसा नहीं है। किसी दिन जहर दे के ना मार दे, निकलना चाहिए। अरे भाई का फोन। हेलो भाई, बोलो भाई। हाँ बोलिए डॉक्टर, आज कैसे याद किया? काम धंधा ठंडा चल रहा है क्या? भाई अब क्या करूं मैं, लगता है मुझे टक्कर देने वाला मार्केट में कोई आ गया है। मेरी बकरी को बचा लो डॉक्टर। डॉक्टर क्या हुआ? आप ही से बचा सकते हो। कितने दिन से नहीं हो रहा है? 2 दिन से पॉटी नहीं हुई है। क्या 2 दिन से नहीं हो रहा है? 2 दिन से डॉक्टर। तो फिर बताया क्यों नहीं मुझे? ठीक कर दो इसे। अच्छा बकरे को क्या खिलाया था तुमने? हरी सब्जी और चावल का पानी। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, भूसा भरा पड़ा है क्या दिमाग में? जितने बाल है उसका आधा दिमाग भी नहीं है लगता है। बकरे को कोई हरी सब्जी खिलाता है क्या? तो क्या खिलाना चाहिए? वो पता चलने पर तू यहाँ थोड़ी आएगा। मेरी सनी लियोनी को ठीक कर दीजिए डॉक्टर, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। जरा सुन, बकरे की क्या हालत है तू जानता भी है क्या? बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन में है तेरा बकरा, और अगर बकरे को बचाना हो ना तो थोड़े से टेस्ट कराने पड़ेंगे। अच्छा सब ठीक हो जाएगा, चल। जी डॉक्टर। ये कुछ टेस्ट लिख कर दे रहा हूँ, जा जाके करा लेना। अरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे बाबा वो तो मैं पेन चेक करा था, ला कागज लाइए। दुबली हो गई है। ये ले, ये टेस्ट करा के ले गया। मुर्गी सुअर को ठीक करता हूँ, बकरी क्या? अभी जाके करता हूँ डॉक्टर। और जल्दी करा के लाना। ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, लीवर टेस्ट, हार्ट टेस्ट, शुगर टेस्ट, बीपी टेस्ट, जेरोक्स। ये जेरोक्स किसके लिए डॉक्टर? अरे ये सारे टेस्ट करा कर उनके रिजल्ट्स का जेरोक्स लाने के बारे में लिखा है यार। ठीक है डॉक्टर, जा जल्दी टेस्ट करा के लेके आ जा डॉक्टर। अरे बकरे को कहाँ लेके जा रहा है? टेस्ट के लिए ले जा रहा हूँ। ठीक है सुन, बकरे को यहाँ 2 हफ्ते के लिए एडमिट करके जाना होगा। 2 हफ्ते क्यों एडमिट करूँ इसे? तभी तो शुभ महीना खत्म होगा ना। डॉक्टर शुभ महीना और मेरी बकरी का क्या संबंध है? तभी तो फॉरेन से चीफ डॉक्टर आएंगे ना। चीफ डॉक्टर, भला वो क्यों आएंगे? देख तेरा टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, चीफ डॉक्टर का ही फोन आ गया, बकरे को तो बचा लेंगे हम। हेलो डॉक्टर। हाँ बोलो डॉक्टर। बहुत सही टाइम पे कॉल किया आपने डॉक्टर। वो सब ठीक है, आगे बोल। हेलो भाई, एक बकरा मिल गया अपने को। हाँ। कुछ 7-8 किलो का होगा डॉक्टर। हाँ डॉक्टर। क्या बात कर रहे हैं, 7-8 किलो? डॉक्टर सर्जरी के लिए एक बकरा आया हुआ है। बकरा कटाई छटाई के लिए आया है। बकरे का मालिक है यहाँ पर, बात कर लीजिए ना। बात कर रहा हूँ। हेलो डॉक्टर, आप मेरी बकरी को बचा लेंगे ना? बकरे को बचा लेंगे, टुकड़े टुकड़े करके जोड़ लेंगे। ये क्या डॉक्टर? अरे वो कुछ नहीं रे बाबा,
वो कह रहे हैं कि इस बकरे को बचा नहीं पाएंगे तो मांस दो बस ऐसा कह रहे हैं। लेकिन ये डॉक्टर है कि उस बकरे को बचाने की जिद पकड़ के बैठे हुए हैं, समझा? सही बोला ना भाई? एकदम सही बोला। चलो बच गया। अरे अपना कसाई का काम सही है भाई। ठीक है भाई, वो ऑपरेशन के लिए तो मान गए हैं, अभी तू जाके पहले 50,000 रुपया भर दे। 50,000? इसकी कीमत ही 5,000 है। ठीक है, अभी जितना है उतना भर दे, अदरक लहसुन के काम आ जाएगा। क्या? अरे बाबा, ऑपरेशन की तैयारी करनी है कि नहीं? हाँ हाँ, समझ गया। सनी लियोनी, चिल्लाना मत। ये लो डॉक्टर, इसे बचा लो डॉक्टर। ठीक है, हम बचा लेंगे, तू टेंशन मत ले। डॉक्टर, किसी भी हाल में मेरी सनी को बचा लेना। अरे बचा लेंगे रे बाबा, तू निकल, जा जा जा। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर प्लीज इसे बचा लेना डॉक्टर। अरे बता दिया ना, निकल यहाँ से। सॉरी डॉक्टर। जा चल, अब इस तरफ दिखा तो मुंह तोड़ दूंगा। डॉक्टर प्लीज इसे बचा लेना। तेरी तो लकड़ी जैसा शरीर लेके सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब करने के लिए आ गया। अभी इस एरिया में दिखाना तो देख लूंगा तुझे। घास खाने वाला बकरा चला गया, पोस्टर खाने वाला भैंसा आ रहा है। ए, सरकार कुत्ते के नाम पर जितना भी सामान देती है वो तुझे देता हूँ, और तू एहसान भूल गया? अरे तुम चुरा के देते हो ना, ऐसा बोल रहे हो जैसे शादी के लिए ज्वेलरी खरीद के दी हो। मैंने तुझे कहा था ना, सफेद और काले की क्रॉस ब्रीडिंग मत कराना। अरे हुआ क्या, क्या कहना चाहते हो? तूने ही कहा था कि सफेद वाले आलसी होते हैं और काले वाले तेज होते हैं, क्यों रे, भूल गया तू? हाँ तो? अरे वो डैनी, उस सफेद कुत्ते ने पूरे डिपार्टमेंट को हिला के रख दिया, और वो दूसरा काला वाला है ना, वो दिन भर खाता रहता है और सु सु अरे सोता रहता है, सोता रहता है। तुम एक काम करो। क्या? सबसे पहले तो अकेले में उस कुत्ते के पास जाकर इधर उधर देखकर चुपचाप से उस कुत्ते को। लेकिन वो तो मेल कुत्ता है ना। और अगर वो कुत्ती होती तो क्या? ओए, अरे मारने को कह रहा हूँ यार। क्यों बे? उसे मारने को कह रहा है? इंस्पेक्टर कैडर से डीएसपी कैडर में जाने वाला है वो कुत्ता। अगर उसे मारने की खबर बाहर निकल गई ना, तो वो तुझे ऊपर नहीं नीचे गोली मारेंगे, समझ लेना। तो फिर तुम एक काम करो, चुपचाप उस कुत्ते को खोलकर छोड़ दो। हाँ? किसी गाड़ी के नीचे जाकर मरने दो उसको। आइडिया तो बहुत अच्छा है डैनी। ए चुप कर, तू क्यों हंस रहा है? मैं मारूंगा ना तो मैं ही हंसूंगा। वो तो बस फ्लो में ऐसे ही। अरे सुन, फौरन एक कप चाय बना के लाना। आप पहले मुंह हाथ धोकर आइए। हाँ हाँ। पूरी दुनिया उड़ गई, आपकी नींद अभी खुली है क्या? ए, ये खेत में से धुआं क्यों आ रहा है? किसी ने बीड़ी पीकर वहीं फेंक दिया होगा, आप अपना काम कीजिए। अरे खेत जल गया तो हम क्या करेंगे? मुझसे पूछने से अच्छा है वहाँ जाकर देख कर आइए ना। खेत के बीचों बीच ये क्या चल रहा है? लगता है किसी ने जलती भीड़ी फेंक दी होगी, मगर भीड़ी से क्या आग लगेगी? क्या है ये, क्या जला कर गए हैं ये लोग? अरे ये क्या है, क्या है ये? किसी को क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे लेकिन बोलिए तो क्या हुआ? वापस जा। क्या हुआ? वापस जा, बच्चों को रोको। अरे नमस्ते सर। नमस्ते। इधर कुछ जल रहा था बोल रहे थे, किधर है? भाई साहब, तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ पे, चलो निकलो। तुम लोग सबसे पहले किसने देखा? मैंने देखा सर। मुझे बताना, आऊंगा मैं बाद में। कितने बजे देखा था? सुबह 6 बजे साहब। अच्छा, और किसी ने नहीं देखा क्या? नहीं, खाली मैंने देखा। मर्डर हुआ नहीं, ये कैमरे वाले पहले आ गए। ए उधर ही रुक। पता नहीं ये सब कैसे हुआ। ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आदमी है कि औरत। शिंदे, फॉरेंसिक वाले को फोन करके बुलाओ फटाफट। पूरा का पूरा बॉडी जल चुका है सर, किधर है पैर, किधर है कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप चेक करके देखो। देखो तुमने जो भी देखा है, ठीक है, सब कुछ साफ साफ बता देना, कुछ छिपाना मत, नहीं छिपाओ।
हाँ ठीक है सर, हाँ हाँ ठीक है सर। सर सर पास के गांव में केशव नाम के आदमी ने कंप्लेंट लिखवाई है, उसकी बीवी लापता है, अभी वो यहीं आ रहा है। ऐसा काटना जलाना औरतों पे अत्याचार करना ये सब बहुत हो रहा है आजकल। उनको लगता है जला के सब हो गया। अरे तूने अपने बीबी का मिसिंग कंप्लेंट किया था क्या? हाँ सर, क्या बात है? ये शिंदे ला रहे सब सामान। क्या हुआ, इतने भीड़ क्यों है? मुझे कोई कुछ बताता क्यों नहीं? ये तो मेरी बीवी की चैन है सर, सर मेरी बीबी। सर पीछे बिना देखे ही बीबी का चैन पहचान लिया। आज पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार किया है। इस आदमी पर अपनी बीवी की हत्या करने का आरोप है। क्या जमाना आ गया है, पहले जाति के नाम पर हत्या हो रही थी और अब तो व्यभिचार करने के बाद हत्या होने लगी है। आजकल तो ये सब आम हो गया। हाँ बात तो सही है, लोग आजकल अच्छे हैं ही नहीं, लेकिन इतना कोई शांत कैसे बैठ सकता है? हालांकि अभी इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, फिलहाल पुलिस इस केस की जाँच कर रही है। पास वाले गाँव में एक लड़की को गन्ने के खेत में जलाकर मार दिया। पूरी दुनिया में यही चल रहा है, आजकल औरतों को कोई इज्जत नहीं देता है। तू चुपचाप अपना काम कर। हाँ हाँ वो भी सही बात है। अरे वीणा, पंचामृत में 3 किलो दही, 1.5 लीटर घी, 6 लीटर गोमूत्र मिलाकर ऐसे ही छोड़ दिया तूने, जम जाएगा ना, हिलाना चाहिए उसे। अभी तक तू इधर ही बैठी है, जुताई खत्म होने वाली है और तेरे बीज अभी तक साफ नहीं हुए। सूरज ढलने से पहले ये बीज खेत में डल जाने चाहिए, वरना मेरी बेटी मुझे मार डालेगी। चल जा जल्दी। नागराज भाई, क्या हुआ? 2 बार में ही जुताई बंद कर दी आपने, आखिरी जुताई कौन करेगा? डाल लगाने वाले हैं ना, फिर जुताई की क्या जरूरत? उसके लिए कीटनाशक है ना, आप बिंदास जुताई करो, जाओ। ठीक है। ओ दीदी, आपसे मिलने के लिए कुछ औरतें आई हैं, कब से इंतजार कर रही हैं, जाके मिल लीजिए आप। क्यों आई है? कह रही है कुछ बात करनी है, आप जाकर देख लीजिए। क्यों बड़ी माँ, क्या हो गया आज? अरे इसने 2 साल पहले मुझसे 5 लाख रुपए उधार लिए थे, अपने बेटे की शादी के लिए लिए थे मुझसे। 2 साल पहले उसके बच्चे भी हो गए, 1 साल तक ब्याज भरती रही, अब तो वो भी नहीं देती, पूछने पर हमेशा टालम टोल करती है। अब तुम ही कुछ करो बेटी। कुछ ऐसे ही नहीं लिए थे, ब्याज पर लिए थे ना, और पैसे लेते वक्त प्रॉमिसरी नोट और चेक बुक पर साइन करा के लिया था ना। अब क्यों इतनी जल्दबाजी कर रही है? मैं क्या गाँव छोड़कर जा रही हूँ? क्यों इस तरह से झगड़ा कर रहे हैं? पहले तो गाय चराने के लिए साथ में जाते थे और घर आते वक्त घास की गठरी लेकर आते थे। प्यार और लगाव दोनों था ना, अपनों के साथ रहने की इच्छा भी थी, लेकिन अब क्या हो गया, नारियल के झाड़ लगाकर घर में ही बैठकर पैसे नहीं दिए, ब्याज नहीं मिला, इन बातों को लेकर झगड़े। बाहर के पैसों की वजह से ये सब हो रहा है। हाँ मामी, और कितना ब्याज बचा है? 10,000 रुपए। केस किया ना, तो ब्याजखोरी के केस में पहले आपको ही अंदर करेंगे। और मामी, बेटे की शादी इतनी धूमधाम से कराते वक्त ही लगा था ये पैसे आपके नहीं है, किसी और के ही हैं। मेरी सोच सही निकली, मैं कभी गलत हो ही नहीं सकती। दुनिया भर से कर्जा ले रखा है, शर्म नहीं आती? अब मैं और क्या करूं बेटी, शादी करते ही मेरा बेटा कुवैत चला गया, तब से एक पैसा नहीं भेजा, सारा पैसा अपनी बीवी को भेजता है। पहले तो खेती अच्छी होती थी, अब तो वो भी नहीं रही, फिर ब्याज और मूलधन कैसे भरूंगी, बताओ तो तुम। बड़ी माँ, 1 साल में 1.5 लाख रुपया ब्याज लिया है आपने, अब भी ब्याज मांग रही हैं आप? हैं?
मामी 30 दिन के अंदर अंदर आप कुछ भी करके कहीं से भी इंतजाम करके इनके पैसे लौटा दो। और आप भी ना, अब बिल्कुल भी ब्याज नहीं मिलेगा, मूल पैसा लेकर चुपचाप निकल जाना। और आपने टाइम पर पैसे नहीं दिए ना, तो आपकी खेती बाड़ी पर इनका हक होगा। दीदी, मामी और बड़ी माँ आज झगड़ा करेंगे और कल एक हो जाएंगे, तू इन बातों में मत पड़, जल्दी चल, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। इसे भी ना इसके बाप की तरह वकील की पढ़ाई करनी चाहिए थी। कोर्ट में जाकर पैसे कमाने के बजाय सारे केस घर में ही सुलझा दिया करते थे वो तो, और इसे देखो। मैं निकलती हूँ इंद्राणी। चलो अब मैं भी निकलती हूँ। अगर बाप दादाओं ने जायदाद नहीं छोड़ी होती तो न जाने आज मेरी क्या हालत होती। बोलिए सर। कुंद भाई, इंस्पेक्टर बनने की खुशी में बधाई हो। थैंक यू सर। दीदी, क्या आप ऐसे ही सारे केसेस पुलिस स्टेशन के बाहर बिना एफआईआर दर्ज के ही सॉल्व कर देंगी? घर वालों के केस भी पुलिस स्टेशन में सॉल्व करूंगी क्या? ज्यादा बात बिगड़ने पर ही एफआईआर लिखती हूँ। पहले तो तुम 50 किलोमीटर दूर काम करती थी, तब तो मैं भी हॉस्टल में रहती थी, अब तो तुम आ गई हो। रोज मुझे छोड़ना और ले जाना, अच्छा रहेगा। चला जा। गुड मॉर्निंग। अरे यहाँ बैठ के रोना धोना मत करो, ये पुलिस स्टेशन है, जाओ यहाँ से। मॉर्निंग मैडम। ये फॉर्मेलिटीज रहने दो, अंदर आओ। यहाँ जितने भी एफआईआर केसेस हैं उन सारे केसेस की फाइल्स यहाँ लेकर आओ। ओके मैडम। हेलो, मैं इंस्पेक्टर सूर्य कुमार बोल रहा हूँ। जी बोलिए। बताने में मुझे शर्म आ रही है मैडम, मेरा घर आपके पुलिस स्टेशन की लिमिट में है। एक नालायक ने पुलिस वाले के घर में चोरी कर ली है। कब हुआ ये? मेरी बीवी है ना पूरी तरह से पागल है, जब देखो मंदिर जाती रहती है। शिवरात्रि के दिन मंदिर में ही रहे तो सारी इच्छाएं पूरी होती है, ऐसा मानती है वो। इसकी बात मानकर मैं भी पूरी रात मंदिर में ही था। उसी दौरान चोर घर में घुसकर सारा सामान लूट कर ले गए। छोटी मोटी चोरी नहीं है मैडम, 150 तोला सोना और 8 लाख रुपए कैश। सब रिश्वत लेकर कमाया था, किसी को पता चल गया ना तो मेरी तो वाट लग जाएगी। मैं तुम्हें सिर्फ ये बात बता रहा हूँ क्योंकि तुम भी मेरी तरह एक अफसर हो, इसलिए इस बात का पता लगाओ कि चोरी किसने की और मेरा माल मुझे वापस लौटाओ। समझ गई? ओके सर। अपने पुलिस स्टेशन की लिमिट में पूरे 33 गाँव है मैडम, उसमें से 11 गाँव ब्लैक लिस्ट में। उन लोग कब झगड़ा करेंगे, कब एक हो जाएंगे, वो हमको क्या उनको भी नहीं मालूम रहता है मैडम। इस महीने 27 एफआईआर फाइल हुई है, 1 रॉबरी केस, 6 जमीन के विवाद, 12 ब्याजखोरी, 3 मर्डर केस। सबका एफआईआर लिखा है लेकिन सिर्फ 7 लोगों को रिमांड पर लिया है, बाकियों का क्या? डर से या फिर रिश्वत ली थी? मैं आई तब एक औरत बाहर रो रही थी, कौन है वो? वो पास के गांव का एक मर्डर केस है मैडम, उसका बीवी का किसी दूसरे मर्द के साथ चक्कर था, पति ने अपना आंखों से दोनों को साथ में देखा और उसने पत्थर से उसका सर फोड़ के पेट्रोल डाल के उसको जला दिया। उसको उसी दिन पकड़ के रिमांड पे लिया मैडम। उसी दिन पकड़ लिया? ओए मैडम, आजू बाजू के गाँव वालों से पता चला है कि वो एक नंबर का बेवड़ा था और हमेशा अपने बीवी पे शक करता था और मारता था उसको। ऐसा रोज पीने वाले इंसान के साथ कौन सा बीवी रह सकता है मैडम? कौन है उधर? वो मैं उसे जानती हूँ, दोस्त है मेरा। मेरी ऐसा कुछ नहीं है। मर साले। जो अपने पति को धोखा देती है उसको जिंदा रहने का हक नहीं है।
मेरे देवर ने भी लड़की को भगा कर शादी की थी। मेरे ख्याल से पूरब के किसी गांव की है वो। वो बहुत मेहनत करता था साहब। वो रोज रात को पीता था। वो मेरा चचेरा भाई है सर। हमारे घर जैसा ही। रात्रि को शायद पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा हुआ करता था। प्रेमिका थी उसी से शादी की। अपनी पत्नी को किसी और के साथ देखने पर कौन सा पति को गुस्सा नहीं आएगा, इसीलिए उसने उसे मारा। उसके घर के बाहर सिर्फ दारू की बोतलें पड़ी हैं। क्या हुआ था हमें पता नहीं साहब। हमेशा वहाँ से कुछ आवाजें आती थी। पति पत्नी के बीच में रोज रात को झगड़े होते थे साहब। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा करेगा। उसके घर वालों से हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है सर। वहाँ से मिले सारे सबूत और गांव वालों के बयान से ये कन्फर्म हो जाता है मैडम कि ये मर्डर उसी ने किया है। वही इस दिन उसको ताबे में लेके FIR भी दर्ज कर दिया। बोन और जली हुई बॉडी को देखकर ये तो कन्फर्म हो गया है कि वो एक फीमेल की बॉडी है। ठीक है आप जा सकते हैं। ओके मैम। जेनी स्पॉट पर आया था? नहीं मैडम, हमने डॉग स्क्वाड को इन्फॉर्म नहीं किया क्योंकि उधर से मिले एविडेंस ही आरोपी को अरेस्ट करने के लिए काफी थे मैडम। स्पॉट कहाँ है? नमस्कार मैडम। उस तरफ है। खून के धब्बे कहाँ हैं? वाटरशेड के पास में। हमने सब कुछ चेक किया था मैडम। इस जगह का मालिक कौन है? मैं हूँ मैडम। बलि दी थी किसी की? हाँ मुर्गे की। खून इंसान का है या मुर्गे का चेक करना था ना? एक चूड़ी का टुकड़ा, एक फ्यूल कंटेनर, एक सिगरेट पीस और एक सिरिंज। इन एविडेंस के चलते तुमने उसे अरेस्ट किया। फिंगरप्रिंट्स चेक किए थे? वो चेक किया था मैडम। उसका फिंगरप्रिंट फॉरेंसिक फिंगरप्रिंट से मैच नहीं हुआ, इसलिए केस क्लोज नहीं किया है। डैनी आ गया? मैं चेक करता हूँ मैडम। साहब ये डैनी साहब कौन है? क्राइम ब्रांच के डॉग स्क्वाड में इंस्पेक्टर के पोस्ट पर जो स्निफर डॉग है उसका नाम डैनी है। इतना चौक मत, PC ग्रेड से लेकर IG ग्रेड तक पोस्टिंग होती है उनकी भी। कुछ मिलता विलता है या ऐसे ही है? अरे डेली अलावेंस, मेडिकल अलावेंस, उसके ऊपर 12,000 सैलरी। और अगर कल ये डैनी मर गया तो टोपी निकाल के सलाम भी ठोकना पड़ेगा। हाँ? मैंने डार्क स्क्वाड को इन्फॉर्म किया है मैडम, कल सुबह आएंगे। ए मनोज कुमार, लॉक करके चाबी रख दी है, तू जल्दी आ जाएगा ना? डैनी, डैनी, ए डैनी, की आखिरी इच्छा थी कि अपने बेटी की शादी देख ले। चले गए।
ऊपर वाले मुझे उठा लेता, उसे क्यों ले गया। अब हम क्या करेंगे तुम्हारे बिना भैया, वापिस आ जाओ। तुम क्यों चले गए, मुझे भी साथ ले जाते। मरते दम तक अपने कुत्ते की चिंता नहीं छोड़ी इन्होंने। ऐसा मत बोल यार, चिदंबरम को डिपार्टमेंट में उस कुत्ते के आने के बाद बहुत इज्जत मिली है। उन्होंने अपने कुत्ते का साथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। कितना अच्छा इंसान था वो। मुझे छोड़ के चले गए। ये सब क्या हो गया? हम सब अनाथ हो गए। हे भगवान, हम क्या करें? पापा, हिम्मत से काम लो नीति, हम लोग हैं तुम्हारे साथ में। नितिन के डैडी डिपार्टमेंट में सबसे सीनियर और ईमानदार ऑफिसर थे मैडम। उनका जो भी मुआवजा बनता है, ध्यान रहे इन्हें जल्दी मिल जाए। आज का जो चोरी का केस है ना, मनोज कुमार, तेरी मदद से मैं ढूंढ निकालूंगा। अपने रास्ते में सिर्फ एक ही कांटा है। डैनी, चल चल, वॉक करके आ, वॉक करके आ। हाँ, चेहरा तो देख उसका, मनोज कुमार। आज से मैं हूँ तेरा डीएसपी और तू है इंस्पेक्टर। रिश्वत के पैसों से मटन बिरयानी खाएंगे दोनों। हमारा दुश्मन तो गया। अरे बोला, 3 घंटे में 300 फटके मारे, लेकिन अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं बोल रहे मैडम। अच्छा सुनील, उस एसआई के घर से ब्लड सैंपल मिला था ना? होए मैडम। इनमें से एक का ही होगा, मैच करके देख लेते हैं। बर देखिए मैडम। सुनील, इनसे जितना भी खून चाहिए आराम से निकाल लो। चोर को पकड़ लिया है सर। मैं जानता हूँ तुम बहुत होशियार हो, किसी भी बड़े चोर को पकड़ने में तुम माहिर हो। डिपार्टमेंट में तुम्हारा नाम भी है। अभी कुंदो भाई, वो चोर को सामान के साथ मेरे पास लेकर आओ। सर, एफआईआर फाइल कर दी है। आपके घर के सामान के साथ चोर को कल कोर्ट में पेश करने वाले हैं। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? सर, इज्जत से बात करिए। तुमसे कितनी बार कहा था कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, तुम ये केस कोर्ट तक ले जा रही हो। मजाक कर रही हो क्या मुझसे? नहीं सर, मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। मैंने तो इस चोरी की कंप्लेंट ही नहीं दी थी। तुम होशियार बनने की कोशिश मत करो, ये होशियारी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। मामला कोर्ट में लेके जा रही है। क्या हो गया आपको? लो ये जूस पियो। तुम्हें पता है क्या, अपने घर में चोरी करने वालों को उस कुंदवाई ने पकड़ लिया है। तब तो मेरे गहने मिल जाएंगे ना। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारे सारे गहने कोर्ट में पेश किए जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? अगर कोर्ट ने पूछा कि इतना सब कैसे कमाया तो क्या कहेंगे मैं आप? तो यही कहूंगा कि बीवी ने मुझसे छुपा कर ये गहने रखे थे। मुझसे पूछा तो क्या बताऊंगी? उनसे कह देना कि जिस ड्राइवर के साथ तुम्हारा चक्कर है ना, उसने वो चोरी कर कर तुझे दिए। तेरी इज्जत जाए तो जाए, मेरी नौकरी नहीं जानी चाहिए। छी, कैसे मर्द हो तुम। गुड मॉर्निंग मैडम। कौन है ये सब? मेरे इलाके में जो जेब कटने की वारदात हुई थी उसके आरोपी हैं ये सब। आरोपी तो एक ही होता है ना, तुम तो चार को पकड़ के लाए। इनमें से सारे आरोपी तो नहीं है। जैसे हम सेब खरीदने जाते हैं तो हम बहुत सारे सेब देखकर उसमें से 4 खरीदते हैं, उसी तरह से मैं इन्हें लाया हूँ। जो भी पसंद आएगा उसको आरोपी बना देंगे मैडम। घूर क्यों रही है? लगता है इसे मेरा आइडिया पसंद नहीं आया। लगता है नारियल की जगह आज मेरा सर फूटने वाला है। आरोपी को लाने के लिए कहा था और तुम इन्हें लेकर आए। हाँ मैडम, बात यह ना कि मनोज कुमार को सर्दी हो गई है, वो ठीक से सूंघ नहीं पा रहा है, इसीलिए गड़बड़ हो गई, और उसी गड़बड़ की वजह से मैं इन चारों को यहाँ उठा लाया मैडम। अगर अभी डैनी होता ना तो आरोपी को कहीं से भी पकड़ कर ले आता। हे भगवान,
मेरा बेटा मंदिर गया था, उसे भी उठा ले आया मैडम। क्यों, मंदिर में आरोपी नहीं हो सकते क्या? मंदिर में मूर्ति की चोरी नहीं होती क्या? ए! चाचा को पकड़ ले। सबको वापस भेजो। कहां से ये गुंज पुलिस में आ गया? चल जा। हेलो मैडम, कैनल से डैनी गायब है। डैनी गायब हो गया? ऐसे बता रहे हो जैसे कोई रास्ते का कुत्ता हो। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है वो, ढूंढो उसे। ओके मैडम। मैडम मुझे लगता है डैनी अपने हैंडलर चिंतामणि साहब के घर गया होगा। देखो तो कितनी दूर से भाग कर आया है, कितना प्यार करता होगा अपने मालिक से जो यहाँ तक आ गया। देखो यहाँ तक आ गया है, अच्छा होगा अगर बाप की जिम्मेदारी अब बेटा संभाले। इसके पिता की नौकरी इसे मिलनी चाहिए, इस बात का इंतजाम करो। ये ठीक है मैडम। इंक्वायरी से पता चला है कि उस लड़की की हत्या उसके पति ने की थी, तो फिर केस क्लोज करने के वक्त उस पर फिर से इंक्वायरी करने की वजह क्या है? सर वहाँ मिले एविडेंस से हम ये नहीं कह सकते कि ये काम उसके पति का है। क्या कहना चाहती हो तुम? सर वहाँ एक मुर्गे को काटा था, उसका भी खून हो सकता है। सिगरेट पीस वहाँ के वर्कर्स के भी हो सकते हैं, कहीं भी उसके फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं करते सर। दूसरे लोग भी वहाँ दारू पीते हैं, वो बोतलें उनकी भी हो सकती है ना। और वहाँ जो ऑयल कंटेनर मिला है वो पास की मोटर में तेल डालने का भी हो सकता है। मेरे हिसाब से तो ये हत्या उसके पति ने नहीं की है सर। और वहाँ सिर्फ एक जान नहीं गई है, दो जाने गई है। वो 3 महीने से प्रेग्नेंट थी। मैंने भी सुना था ये। ठीक है फिर इस केस को तुम ही हैंडल करो। ओके सर, लेकिन सर एक रिक्वेस्ट है। बंद कमरे की बात होती तो सबूत जल्दी ही मिल जाते, लेकिन ऐसे बाहर के केसेस में थोड़ी मुश्किल होती है सर। अगर ऐसे में डैनी मेरे साथ होता तो काफी हेल्प होती। उसके हैंडलर चिदम्बरम के मरने के बाद वो काफी अबनॉर्मल हो गया है। सही बात है सर, लेकिन डैनी उनकी फैमिली से काफी क्लोज है सर, खास करके उसके बेटे नितिन के काफी क्लोज है सर। मेरे हिसाब से उसी को हैंडलर बना दिया तो डैनी जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है फिर देखते हैं। ओके सर, थैंक यू। अपने पापा की इज्जत को बनाए रखना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर डैनी जल्दी ठीक हो जाए तो तुम ये कर पाओगे। डैनी को मैं ठीक करूंगा मैडम। थैंक यू मैडम। सबके घरों में एक बड़े भाई की तुलना उसके छोटे भाई बहन से की जाती है, लेकिन यहाँ पर मुझे तुझसे ही कंपेयर करते रहे ये लोग। ये सोच के कि मुझे कुत्ते से कंपेयर कर रहे हैं मुझे अच्छा नहीं लगता था। मेरे पापा भी तो कहते थे कि इस कुत्ते की कमाई ही तो तू भी खा रहा है, इसके आगे तू किस काम का है। मेरा तो दिल ही टूट जाता था। पर यार डैनी, आज तेरी वजह से तो मुझे भी नौकरी मिल गई। जब तक पापा जिंदा थे ना, उन्होंने इस घर में तुझे एक बेटे की तरह ही पाला है। माफ करना यार, मैं ये बात कभी समझा नहीं। आजा डैनी, कल होने वाली ट्रेनिंग में हमें पापा की इज्जत को बरकरार रखना है, समझा? शाबाश शाबाश डैनी, बहुत अच्छा काम किया बेटा तूने। तुमको देखकर बहुत गर्व होता है नितिन, आज तुमने अपने डैडी के नाम की लाज रख ली। अभी आगे के लिए ऑल द बेस्ट। हाँ थैंक यू सर, मिलते हैं। सारे हैंडलर्स अपनी पोजीशन ले लीजिए। एक बात बोलूं क्या? हाँ बोलो ना। एसआई के बदले कुत्ते का हैंडलर बनकर तुझे बहुत बुरा लग रहा होगा। लगना भी चाहिए, कर भी क्या सकते हैं। अब तो देख लेना, लोग ट्रैफिक में, क्राइम में, लॉ एंड ऑर्डर में बहुत माल छाप रहे हैं, और हम
कुत्तों के साथ अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हैं, कुत्तों जैसी जिंदगी हो गई है अपनी। वेल डन, क्राइम सीन से मिले छोटे छोटे सबूतों को हम जमा करके एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। उससे सिर्फ बॉम्ब ट्रेस करने के अलावा किसी को चोट पहुंचाए बगैर उसे डिफ्यूज भी कर सकते हैं। यस मैम। गुड जॉब नितिन। थैंक यू मैडम। हेलो। अबे ग्लव्स निकाल कर हाथ मिलाया कर। तो क्या चाहते हो कि मैं ग्लव्स निकाल कर हाथ मिलाऊं तुमसे? आजकल जबान बहुत चल रही है तेरी। हाँ ओ, तुम्हारी तरह चलाने लगा हूँ क्या? छोड़ना वो सब, इधर और आ। अबे और अच्छा। ओए, इससे तो बेहतर मैं उतर के तुम्हारी गोद में बैठ जाता हूँ ना। अबे चुप कर यार, मेरे पीछे ध्यान से देख, एक नया हैंडलर आया है। हाँ तो वो उसी को बता दो ना। अरे बाजू में बैठा है और इतना दिखाई नहीं दे रहा है क्या? आजकल तो बाजू वाले भी नहीं दिखते हैं। हेलो डॉक्टर, आई एम नितिन कक्कड़। हेलो नीलकंठ, आई एम द डॉक्टर। ये तो ये घोचू कौन है यार? लगता है बचपन में मुंह के आगे सुतली बम फट गया था, तब से नहाया नहीं। इसके पास काय को लेके आया मुझे? भतीजे, तेरे डैनी को फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं चाहिए? वो सर्टिफिकेट यही देगा। मुंह का शटर डाउन कर। डॉक्टर, डैनी का फिटनेस सर्टिफिकेट दीजिए। ओए इतनी जल्दी क्या है, जरा शांत रहो, मेरी बात सुनो। तुमसे और भी बहुत सारी जरूरी बातें करनी है मुझे। नहीं नहीं सर, वो चार दिन में मेरी शादी है ना, इसीलिए। क्या शादी हो रही है? हाँ डॉक्टर। ओए, एक तो तुम खुद ही बेरोजगार बने फिर रहे हो, उस पर तो तुम्हें एक लड़की भी लानी है क्या? डॉक्टर इज्जत से बात करो। ओए, तुम्हारा चेहरा देख नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए तो उसका चेहरा देख कर बोल रहा हूँ मैं। डॉक्टर मुझे बोलने देंगे आप? थोड़ी जगह छोड़ो भाई। अबे गहरी सांस लो और इसे जरा अकेला छोड़ दो। तुम बोलो भाई। डॉक्टर मैं सीधा मुद्दे पे ही आता हूँ यार। ओए तुम शादी करने वाले हो ना, फिर सीधा मैटर पर क्यों आना है तुमको? मैं डॉक्टर हूँ या नर्स हूँ? आई एम डॉक्टर धनपाल, BBBL इंजीनियरिंग, 2 पेपर्स एयर इयर्स, सो आई एम ओनली डॉक्टर कैरियर। यू कैरी ऑन, प्रोसीड। ये ताऊ भांजे, टेंशन मत ले, शांत हो जा, बात करते हैं। पानी पीने दे। अब कुछ बोलो भाई। डॉक्टर पापा को गुजरे एक हफ्ता हुआ है। लोग बातें करने लगे हैं कि लड़की के पांव शुभ नहीं, उसके आते ही घर में मौत हो गई है, इसीलिए उनके मुंह बंद करने के लिए। फेविकॉल लगाकर बंद कर दो, ठीक हो जाएगा। इतनी सी तो बात है, सिंपल। इसलिए क्यों यहाँ तक आ गए? ये ताऊ, ये डॉक्टर है कि नारियल काटने वाला? सर्टिफिकेट देता है तो लेके घर आ जाना। ओए, मुझे लगा कुत्ते की मीटिंग के बारे में बोलेगा, ये तो खुद की मीटिंग के बारे में बोल के चला गया। वो सब छोड़ना, उससे तुझे कोई जरूरी बात करनी थी ना क्या? उससे एक प्रोजेक्ट कर सकते हैं और उस प्रोजेक्ट की वैल्यू है पूरे 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए? इस प्रोजेक्ट को तुमने ठीक से किया ना तो तुम्हें सिर्फ कमीशन में 1 लाख मिलेगा। तो मुझे क्या करना होगा? इधर आओ। अरे और पास। अरे पास आने को कहा तो तुम ऐसे कैसे देख रहे हो मुझे? चलो जाओ, संभल कर बैठो यार, सुई चुभ जाएगी नहीं तो। अब बैठो। तुमको सुई चुभा चुका है, ये बच के रहना होगा। नीलकंठ के पास डैनी नाम का एक कुत्ता है ना? हाँ है तो सही, लेकिन क्यों? तो उसकी ब्रीड को बहुत ज्यादा डिमांड है। हाँ? मुझे क्या करना है? उस कुत्ते को 4 लोगों के पास भेजेंगे ना? हाँ? तो 400 लोगों की कमाई हम दोनों कर सकते हैं। डील या नो डील? तो तुम्हारा घटिया काम मैं भी करने लगूं? तुम बहुत ज्यादा ही बोल रहे हो, अब निकलो यहाँ से, मैं किसी और से करा लूंगा ये काम। अबे डॉक्टर ऐसा मत कर यार, अब तू देखता जा कि मैं किस तरह से काम करता हूँ। अगर तुम मेरे काम आए तो मैं भी तुम्हारे काम आऊं। यहाँ नर्स भी है क्या? अरे क्या बात कर रहे हो, मैं पैसों की बात कर रहा हूँ यार। यहाँ क्या कर रहे हो? फिटनेस चेक कर रहा हूँ मैडम। क्या? फिटनेस चेक कर रहा हूँ मैडम। डैनी के फिटनेस के बारे में पूछ रही हूँ। डैनी तो फिट है मैडम, मैं इसको चेक कर रहा था तभी आप आ गई। सर्टिफिकेट लेकर आओ। ला दे, जा कर दे दो उसको। फंसा गया ये। और वो 15 लाख के प्रोजेक्ट का क्या हुआ? हाँ 15 15 15 15 15। ले 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 ले। ये सीधे सीधे बात करे तब भी नहीं समझ में आता, तो उस पर से कुत्तों की भाषा बोल रहा है, पागल कहीं का। Thank you.
वहाँ जरा देखो तो। ओके मैडम। हाँ बोलो, कहाँ पर? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, राइटर भेजता हूँ। सुनो, जब मैडम पूछेंगी कि वहाँ पर क्या हुआ था तो उन्हें सच सच बताना। चलो ठीक है सर। आ जाओ नमस्ते मैडम। उस दिन सुबह बिजली थी, दिन भर खेत में काम करके थकने की वजह से शाम को 6 बजे तक मैं घर चला गया था, और घर पहुँचते ही खाना खाकर मैं सो गया था मैडम। घर पर बैठकर 11 बजे तक सीरियल देख रहा था मैडम, टीवी की वजह से कोई आवाज सुनाई ही नहीं पड़ी। वहाँ से कोई कार गई या नहीं पता नहीं मैडम। जाइए अब। मैडम रात होते ही मुझे बहुत डर लगने लग जाता है, पता नहीं कब कहाँ मर्डर हो गया। सच में मैडम मुझे कुछ नहीं पता, और वैसे भी 2-3 पैक लगाने के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। बस इतना याद है कि 10:30 बजे मैं दारू लेने गया था, और तभी वहाँ पर एक कार आई थी। बड़ा बेकार आदमी था, मुझे लिफ्ट नहीं दी, ऐसे छोड़ दिया मुझे वहाँ पे मैडम। नॉर्मली डैनी हर केस में ऐसे ही बिहेव करता है क्या? एक स्निफर डॉग का हैंडलर दूसरे हैंडलर से अपनी टेक्निक्स के बारे में आसानी से बात नहीं करता है मैडम। खैर ये टेक्निक्स तो बड़े ऑफिसर्स को भी नहीं बताते हम लोग। ये कनेक्शन सिर्फ उस डॉग और उसे ट्रेन करने वाले हैंडलर के बीच में होता है। जो नए स्निफर डॉग्स होते हैं वो किसी चीज या जगह पर शक होने पर अपने हैंडलर को वो बात कन्वे कर देते हैं मैडम। उसके लिए वो एक बार भौंकते हैं, हैंडलर भी उस बात को नोटिस करता है, तो कुत्ता ऊपर देख कर दोबारा और भौंकता है, और फौरन हमारा शक यकीन में बदल जाता है। बीज बोने का महीना हो तो वहाँ ट्रैक्टर लॉरी जैसी बड़ी गाड़ियों के टायर मार्क्स होने चाहिए, वहीं अगर कटाई का महीना हो तो लॉरी जैसी बड़ी गाड़ियाँ होंगी। लेकिन उपज के महीने में, वो भी गन्ने के खेत में, कार के टायर मार्क्स कैसे? मुझे भी यही डाउट था मैडम। उस औरत के पति को कस्टडी में लेना होगा, अरेंज करो। क्या हुआ था वहां पर, सच बोलना। टीवी मीडिया में सब कुछ देख लिया होगा ना, मैं एक बेवड़ा हूं और बीवी पर शक करता था। मेरी बीवी को गन्ने के खेत में किसी और के साथ देखकर गुस्से में मैंने उसे मार दिया और चला दिया। जिससे तुमने प्यार करके शादी की उसे तुम क्यों मारोगे? मुझे तो नहीं लगता कि ये काम तुमने किया है। मैडम मेरी बीवी को मैंने नहीं मारा, मैं काम करके घर आया था, वो नहीं दिखी, हर जगह ढूंढा मैंने, फिर स्टेशन में आकर कंप्लेंट की, लेकिन उन्होंने उनकी मर्जी से केस को पलट दिया मैडम, और मुझ पर ही आरोप लगाकर अंदर डाल दिया। चलो वो भी चलेगा मैडम, लेकिन बिना इंसानियत के मेरी बीवी पर किसी के साथ चक्कर का आरोप लगाया मैडम, वो मैं नहीं सह सकता मैडम। मैडम प्रेस वाले आ गए। उस लड़की के मर्डर केस में हमें एक बहुत ही अहम एविडेंस मिला है, और उस एविडेंस के मुताबिक उसके हस्बैंड ने उस लड़की की हत्या नहीं की है। वो इम्पोर्टेंट एविडेंस क्या है मैडम? अगर सब कुछ आपको बता दिया तो फिर अपराधी को कैसे पकड़ेंगे? लेकिन पहले आपने कहा था कि हत्या के पीछे उसके पति का हाथ है, अब आप कह रही हैं कि इसमें किसी और का हाथ है। आखिर ये डिपार्टमेंट में चल क्या रहा है? आखिर गुनहगार को अरेस्ट कब किया जाएगा? छानबीन चल रही है, जल्द ही ढूंढ लेंगे उसे। कहते हैं एक कुत्ते ने सबूत ढूंढे हैं, क्या ये सच है? ये क्या है, सच है? वो सिर्फ एक कुत्ता नहीं है डैनी, हमारी तरह एक पुलिस ऑफिसर है। आप ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? मेरे अपने गांव में ये मेरा पहला केस है, और सिर्फ इतना ही नहीं,
इस केस में डैनी हमारे साथ है, ये मदद करेगा। ये कब से तेरे से मिलने के लिए रुकी हुई है, बात तो कर ले इससे। हे माँ देवी। अरे ये क्या कर रही हैं आप? नहीं बेटी, मेरे बेटे को बचाने वाली तुम ही हो बेटी। तुम्हारे पैर छूने में मुझे जरा भी शर्म नहीं आएगी। क्यों? मैंने कहा कि आपका बेटा हत्यारा नहीं है इसलिए। नहीं नहीं, मेरे बेटे को पूरे गांव वालों ने बेवड़ा खूनी कहकर बहुत अपमानित कर दिया था उसे। सिर्फ तुमने ही कहा कि मेरा बेटा निर्दोष है। मैं बता नहीं सकती मुझे कैसा लग रहा है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। सिर्फ अपराधी को सजा देना ही कानून का काम नहीं है, बेकसूर को बचाना भी जरूरी है। सबसे पहले कंपाउंडर से शुरू करता हूँ। क्यों बे, तेरे कपड़े देखकर तो लगता है कि जैसे कोई टैक्सी ड्राइवर है। चल निकल यहाँ से, अगर दोबारा यहाँ दिखाई दिया तो। इसकी शक्ल तो देखो, जैसे कोई जंगली भैंस हो। यहाँ इतनी सारी बोतल क्यों सजा के रखी है? शराब का धंधा भी शुरू कर लिया है क्या? ओह ये तो ग्लूकोज की बोतल है। सबसे पहले इसे ही फोड़ता हूँ। हॉस्पिटल या कबाड़ खाना है? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, फटा हुआ क्रिसमस का स्टार लेकर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गाएगा है? भाई वेल्डिंग का काम हो गया होगा तो चश्मा उतार दे, आज अपना दिमाग हटा हुआ है। वेल्डिंग? ए, तू जानता नहीं है किससे बात कर रहा है? हाँ नहीं जानता, इसीलिए तो बात कर रहा हूँ। अगर जानता तो चप्पल निकाल के धो देता। ए भाई सोच समझ के बात कर, मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। हाँ सर के ऊपर अगर कपड़ा डालूं तो तू किसी मजदूर से कम नहीं लगता। तू मुझे सिखाएगा कि कैसे बात करना है? हाँ भाई हर बात की एक लिमिट होती है। मेरा चेहरा देखकर तुझे क्या लग रहा है? हाँ तेरा चेहरा जले हुए कोयले जैसा हो गया है। मैं ही हूँ वेटरनरी डॉक्टर धनपाल। तेरा अंतिम संस्कार तो मैं आज ही कर दूंगा। क्यों? दो दिन पहले मैं अपनी सनी लियोनी को लाया था इलाज करवाने के लिए, तूने उसे काट कर लोगों को खिला दिया और अब तू मुझे सिखा रहा है? भाई गलती हो गई यार, माफ कर दे मुझे। तूने जो मेरे पैसे लेकर अदरक लहसुन में बर्बाद कर दिए, मैं उसी का हिसाब किताब करने के लिए वापस आया हूँ। एक बकरी लाया था तो तूने उसे काट कर लोगों में बांट दिया। आज मैं अपने दोस्त शिव को लाया हूँ, बाईपास रोड में एक्सीडेंट की वजह से वो बेचारा दर्द में बुरी तरह से तड़प रहा है। बाईपास में? चल मेरे भाई। अब तू कहाँ भाग रहा है? उसे मैं अपने साथ ही लाया हूँ। कहाँ कहाँ ये ले बेटा, कहाँ बता तो कहाँ? ये रहा। अरे बाप रे, सांप? नहीं नहीं भाई सांप नहीं। चल जल्दी से, अब इसके मुंह में फूंक मार। चल जल्दी कर, ले मार फूंक। बिना पूछ के बंदर, मेरी बात याद रख। अब इलाज के नाम पर किसी को भी एड़ा नहीं बनाने का। हॉस्पिटल तो रहेगा लेकिन तू नहीं बचेगा, समझा क्या? ले डॉक्टर, मेरे को अर्जेंटली क्यों बुलाया इधर? इसने गली में एक ज्वेलरी शॉप खोला है इसलिए तुझे बुलाया है। तुम जैसे बेवकूफ लोगों की वजह से ये लोग ऐसे काम करते हैं। कौन है डॉक्टर या फकीर आदमी? वो मैंने इसके बकरे को ठीक किया ना तो मुझे थैंक यू कह रहा था बेचारा, देखकर तो कुछ और लग रहा था। सच में अब चलो। वो सब ठीक है, मेरे को इधर क्यों बुलाया अर्जेंटली? वो क्या है कि दरअसल मैं कल रात को काफी देर तक कुछ सोच रहा था कि मैं सोसाइटी का कुछ भला करूं, आखिर ये भी तो मेरा फर्ज है ना। ऐसा क्या भला करने वाले हैं आप सोसाइटी के लिए? क्या है कि इस सोसाइटी में हत्या चोरी और रेप के केसेस बहुत ज्यादा ही हो रहे हैं ना। अच्छा, और तुम ये बात भी अच्छे से जानते हो कि अपराधियों को सिर्फ डैनी ही ढूंढ कर निकालता है। तो क्या करोगे? तो इस सोसाइटी में सिर्फ एक ही डैनी काफी है क्या? बिल्कुल नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम अपने डैनी की मीटिंग कराएंगे तो सोसाइटी को और भी बहुत सारे डैनी मिलेंगे ना, जरूरत है। डॉक्टरी छोड़ के कुत्तों का मैरिज ब्यूरो खोल लिया है क्या बेवकूफ कहीं के? देखो भाई, मैं सिर्फ और सिर्फ इस सोसाइटी का अच्छा करने की इच्छा से ये बात बोल रहा हूँ। फिर भी मुझे जलील कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। मैं तेरी नस-नस से वाकिफ हूँ। मतलब ही मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के अणु। आज हम आवाज के बारे में सीखेंगे। सबको चिड़िया तो पसंद होगी ना? बताओ मुझे, सबको चिड़िया पसंद है कि नहीं? हाँ टीचर, पसंद है। हाँ टीचर। आप लोगों ने बहुत सी आवाजें सुनी होंगी और आपकी फेवरेट चिड़िया की भी आवाज सुनी होंगी ना? अब आपको एक काम करना होगा, आपको अपनी मन पसंद चिड़िया की आवाज निकालनी होगी। आप लोगों में से कौन रेडी है? मैं रेडी हूं। तुम और तुम भी? ओके प्रेरणा, तुम करके बताओ। वेरी गुड, एक्सीलेंट, इसके लिए ताली बजाओ। ओके, अब अगली आवाज है गाड़ियों की। गाड़ियों की आवाज के बारे में जानते हो ना? उसके लिए मैं आपको स्पीकर में एक आवाज सुनाऊंगी और आपको वो आवाज पहचाननी होगी। सुनकर मुझे बताना कि वो आवाज किस गाड़ी की है। ओके
दीदी ये मुझे पता है, शेयर ऑटो की आवाज है ये। बहुत अच्छे कुमार, तुम्हें कैसे पता ये शेयर ऑटो है? एक नॉर्मल ऑटो ड्र स्कूटर जैसी आवाज करता है और इसकी आवाज अलग है। वाह, ताली बजाओ कुमार के लिए। वेल डन कुमार। ओके, अब अगली आवाज सुनाती हूँ, देखते हैं कौन पहचानता है। आप यहाँ कैसे मैडम? माधवी इसी हॉस्टल में रहकर काम पर जाती है, तो उसी से मिलने आई थी। और हाँ नितिन, उस दिन डैनी को जो एविडेंस मिला था उससे काफी हेल्प हो जाएगी। थैंक्स मैडम। एक दिन अपनी फियांसे को लेके घर आ जाना। माधवी! सर पर गहरी चोट की वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम उनकी आंखों को बचा नहीं पाए। I'm so sorry। मेरी बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा था। पापा के जाने के बाद जब माँ अकेली हो गई थी, तब मैं बहुत छोटी थी दीदी, तब से मैंने पापा की जगह तुम्हें देखा है। दो लड़कियों को लेकर अकेली कैसे जिएगी ये सोचकर जब माँ रोती थी ना, तब मैं बहुत डरती थी दीदी, लेकिन तेरा हाथ पकड़ते ही, तेरा चेहरा देखते ही डर निकल जाता था। लेकिन अब से आपको देख नहीं पाऊंगी ना, मुझे इस बात का सबसे ज्यादा दुख है दीदी। दीदी मैंने कुछ गलत नहीं किया है, और तो और मेरा कोई दुश्मन भी नहीं है, मैंने किसी को प्यार करके धोखा भी नहीं दिया। प्लीज मुझ पे भरोसा करो, मैं आप ही की छोटी बहन हूँ, गुरुदेव की बेटी, मैंने कोई गलती नहीं की। मैं नहीं जानती क्या, इस दुनिया में तेरा कोई दुश्मन नहीं है। वो तुझे नहीं माना चाहते थे, वो आए थे मुझे मारने। अरे आओ आओ नितिन, बैठो बैठो बैठो। कैसे हैं सर? आज तो बोतल बड़ी जल्दी खुल गई है। अरे सब उसकी केस की वजह से। अरे कोई एविडेंस ही नहीं मिल रहा है सारा। महिलाओं की लगातार हो रही हत्याओं से जनता में दहशत का माहौल है। ये अर्णव गैंग का अलग नाटक है। मैं 13 साल से पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, बराबर। भले ही मैंने कोई भी केस सॉल्व नहीं किया है, लेकिन अंदाज से पक्का बता सकता हूँ कि ये कांड कोई ना कोई ग्रुप कर रहा है। मगर तुझे मालूम, ये केस एक इंच भी आगे नहीं बढ़ रहा है। जो भी एक दो एविडेंस मिले थे वो सब फालतू निकले, एकदम बेकार। जैसे ही मैडम ने ये केस फिर से ओपन किया, उनकी बहन पे हमला हो गया। अभी उसकी नजर थोड़ी ठीक होने दो, सबको ताबे में लेता हूँ मैं। देखो तुम, एक एक की बैंड बजाऊंगा मैं। यूनिट 302 रिपोर्टिंग, हमें जली हुई लाश की खबर मिली है। लाश पास के काजू के खेत में पाई गई है, अपने थाने से किसी को भेजिए। हाँ मैडम,
पास ही के काजू के खेत के पास एक बॉडी मिली है, उसे भी जलाया गया है। सीनियर इंस्पेक्टर को फोन किया लेकिन उनका फोन लग नहीं रहा है, इसीलिए आपको कॉल किया मैडम। ठीक है, एक काम करो, अभी स्पॉट पर पहुंचो। ओके मैडम। वीओ को बुलाकर रिपोर्ट लिख लो और FIR कर लो। SI को फिर से ट्राई करो और भूलना मत डॉग स्पॉट को इन्फॉर्म करो। ओके मैडम। मैं यहाँ कोर्ट में किसी जरूरी काम से आई, यहाँ से फ्री होके वहाँ जाऊंगी। ओके 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 मैडम। ये नितिन, अरे जरा पूछो इनको क्या चाहिए, वरना चढ़ी हुई दारू उतर जाएगी। हेलो। हेलो सर को बोलिए कि काजू के खेत में लाश मिली है। सर। हेलो। पास के काजू के खेत में एक बॉडी मिली है सर। यहाँ क्या कर रहे हो?
हे भगवान, ये सब क्या हो गया? आपको इस हालत में हमें नहीं बुलाना चाहिए था, लेकिन उसकी बहुत इच्छा थी कि आप यहाँ स्कूल में आए, इसलिए हमें आपको यहाँ बुलाना पड़ा। कोई बात नहीं, वो भी मेरी बहन जैसी ही है। चलो चलते हैं। चेक चेक, सब ध्यान से सुने। आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली पूजा का आज बर्थडे है, सभी बच्चे और सभी टीचर्स ग्राउंड में आ जाएं। खाओ। स्माइल। मैडम सच बोल रहा हूँ, माधवी बहुत अच्छी लड़की थी, वो हमेशा सबको खुश रखना चाहती थी। मैं भले ही अपना बर्थडे कभी भूल जाऊँ, मगर वो हमेशा याद रखती थी। मैंने आखिरी बार जब उसे देखा था तो खुश लग रही थी। कहाँ गई थी वो? उसने कहा था कि कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, उससे मिलकर जल्दी स्कूल वापस आ जाऊंगी। बस यही कहा था कि जाकर वापस आ जाऊंगी मैडम, लेकिन हमने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। कभी कभी कुमार के साथ आती थी, उसके साथ उसने टीचर की तरह कभी व्यवहार नहीं किया। एक दिन जब कुमार बीमार पड़ा था ना, तब वो उससे मिलने घर भी आई थी। वो उसके छोटे भाई के जैसा था मैडम। मैं चलती हूँ। मैडम, आपकी बहन ने कभी ड्रग्स लिए थे क्या? जानते भी हो किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? बुरा मत मानिए डॉक्टर, इस बारे में आपसे बात करना चाहते हैं, इसीलिए। बोलिए डॉक्टर। मैडम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बॉडी में हद से ज्यादा फेनसाइक्लिडिन ड्रग मिला है। पेनिसाइक्लिडिन? वैसे इसे शॉर्ट में पीसीपी या एंजल डस्ट कहते हैं। ये एक एनेस्थीसिया मेडिसिन है। डॉक्टर इसे ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी के दौरान ज्यादातर यूज करते हैं। डॉक्टर की परमिशन के बिना इसे नहीं खरीद सकते हैं। डॉक्टर, ऑपरेशन थिएटर के अलावा और कहाँ यूज करते हैं? इसे नशे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। क्या कह रही हैं? जी मैम, आजकल के यंगस्टर्स इसे नशे के तौर पर यूज कर रहे हैं। नॉर्मल ड्रग्स यूजर्स कितना एमजी यूज करते हैं? 0.5 एमजी, लेकिन यूज करने वालों के लिए इतना ही काफी है। और इससे ज्यादा हुआ तो? कोमा या फिर सीधे मौत। उस मेडिसिन का नाम क्या बताया? फेनसाइक्लिडिन मैम। सॉरी मैडम, एक डॉक्टर होने के नाते मुझे ये आपसे कहना होगा, समझ नहीं आ रहा आपको कैसे बताऊं। पोस्टमार्टम में हमें ड्रग के अलावा ये भी पता चला कि माधवी का बुरी तरह से रेप भी हुआ था। ओके डॉक्टर।
मैडम। हाँ हेलो बोली। आपकी बहन का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। एक साल पहले हुआ मर्डर का पोस्टमार्टम रिपोर्ट इससे बहुत सिमिलर है मैडम। दोनों केस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एविडेंस मिला है मैडम। इस वक्त कहाँ हैं आप? खेत में जो लेडी की बॉडी मिली थी ये उसकी डिटेल। मैडम ये आपकी सिस्टर का पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। खेत वाले केस में पूरा बॉडी जलने के कारण पोस्टमार्टम करने का चांस नहीं मिला था, लेकिन आपका बहन का केस में सारे डिटेल्स हैं। एक साल पहले खबर आई थी कि गांव के बाहर जंगल में एक बॉडी मिली। पोस्टमार्टम करने पर पता चला कि बॉडी एक लड़की की है और हम लोग कुछ दिन रुके थे, लेकिन बॉडी को क्लेम करने के लिए कोई नहीं आया, इसलिए लावर इस लाश के नाम पे केस क्लोज कर दिया मैडम। हमें पता चला है कि बाकी तो सिर्फ ड्रग्स ले रहे थे, लेकिन बेचने वाला ये है। नशे की लत लगने के बाद मैंने इसी को अपना धंधा बना लिया था। हर तरीके के ड्रग्स खरीदता और बेचता था मैं, हर जगह डिलीवर कराता था। लेकिन आप जिस ड्रग के बारे में बात कर रही हो उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हारे रेगुलर कस्टमर्स में से किसी ने ड्रग्स लेना बंद किया था? पुलिस की कड़ी चेकिंग की वजह से कुछ लोगों ने लेना बंद कर दिया था, लेकिन ऐसे लोग कुछ ही दिनों बाद फिर से ड्रग्स लेने के लिए अपने आप ही आ जाते हैं, क्योंकि इसकी लत आसानी से छूटती नहीं है मैडम। मैडम अगर ये भी खूनी नहीं है तो ये सब कौन कर सकता है? इसके कहने के मुताबिक चाहे अमीर हो या गरीब सब ये ड्रग्स यूज कर रहे हैं। इसे यूज करने वाले को मेडिकल की अच्छी खासी जानकारी होगी। वैसे देखे तो ये व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स ही पेनिसाइक्लिडिन ये ड्रग्स यूज करते हैं। सारे डॉक्टर्स से पूछो किन मेडिकल्स में मिलता है उसकी लिस्ट बनाओ, और
अपने इर्द गिर्द सारे स्टेशन से नार्कोटिक केस डिटेल्स निकालो। ओके मैडम। पहले तो यहाँ आने के लिए थैंक यू। यस मैम। इट्स ओके मैम। पेनिसाइक्लिडिन, इस ड्रग के बारे में मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। यस मैम। पास में दो लड़कियों के मर्डर की खबर आपने सुनी होगी, न्यूज में देखा होगा, उस केस का इस ड्रग से संबंध है। मैम आप जो भी पूछना चाहती हैं खुल के पूछ लीजिए। गुड। ये ड्रग और कहाँ कहाँ मिलता है? सारे हॉस्पिटल्स में और मेडिकल स्टोर में मैडम। मैं पूछ रही हूँ इलीगली कहाँ मिलता है? इलीगल कोई चांस ही नहीं मैडम। ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैडम ये दवाई डॉक्टर के पर्चे के बिना मिल ही नहीं सकती। हेलो आती हूँ। ओके सर। मैडम वो लड़का आपसे कुछ बात करना चाहता है। बेटा उठो चलो बात कर लो। माधवी दीदी उस दिन अपनी कार में नहीं गई थी, कोई दूसरी कार में गई थी। वो क्या कहा? दूसरी गाड़ी में गई थी? उस गाड़ी को देखोगे तो पहचानोगे। सॉरी मैडम। तुम कैसे कह सकते हो ये बेटा? दीदी ना हमें गाड़ियों की आवाज सुनाकर पहचानने को कहती थी, तब हम गाड़ियों की आवाज को सही से पहचान लेते थे। उस दिन स्कूल के बाद मैं और माधवी दीदी क्लास के बाहर वेट कर रहे थे, तभी ऐसी एक आवाज आई, एक कार आकर रुकी। उस कार में से एक अंकल उतर कर बोले कि काजल मैडम ने माधवी दीदी को बुलाया है। तब माधवी दीदी ने पूछा रोज गणेश अंकल पिक करने आते हैं, आज वो क्यों नहीं आए? तब वो बोले कि वो बीमार हैं इसीलिए नहीं आए। ऐसा कहकर वो अंकल माधवी दीदी को गाड़ी में साथ में ले गए। फिर वहाँ से वो गाड़ी बहुत स्पीड में चली गई। कुमार मैं तुम्हें गाड़ी की आवाज सुनाती हूँ, इससे तुम उस दिन माधवी दीदी को जो गाड़ी लेने आई थी उसकी आवाज पहचान लेना। लो सुनो। नहीं नहीं अब ये सुनो। यही है मैडम, यही आवाज है वो। मैडम नॉर्मल ब्रांड की गाड़ियों की आवाज ऐसी नहीं होती, ये आवाज तो किसी मॉडिफाइड गाड़ी की है। मतलब गाड़ियों का मॉडिफिकेशन भी होता है, कौन कौन करता है? खासकर लैंसर कार। मैंने खुद दो तीन लोगों को करके दिया है। किस किस को? आनंद नगर के रामकुमार थे और बाकी तो याद नहीं है मैडम। नमस्कार बोलिए मैडम। त्रिलोक नगर के पास में ठीक दो दिन पहले मतलब 15 तारीख को शाम 5 से 6 बजे के बीच वहाँ से जो भी स्पोर्ट्स कार गई थी उनकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे, और वो भी जल्दी। ओके मैडम। ये सिग्नल, ये वाला कैमरा रिवाइंड रिवाइंड करो जरा, सेकंड कैमरा प्ले करो जरा। हेलो मैडम, उस टाइम एक येलो कलर के स्पोर्ट्स कार वहां से पास हुई थी, राजा नगर से सिटी हॉस्पिटल क्रॉस करके रामनाथ नगर के टावर के पास गई थी वो। वो गाड़ी किसकी है? उसका एड्रेस सारी डिटेल्स आरटीओ से लेकर जल्दी मुझे दीजिए। ओके मैडम।
मैडम, मैं आरटीओ ऑफिसर प्रभात कुमार बोल रहा हूँ। बोलिए सर। आपने जो सीसीटीवी फुटेज दी थी, उस येलो कार की सारी डिटेल्स आपके फोन पर भेज दी है मैडम। ओके, थैंक यू। थैंक्स मैडम। कौन है वो? सामने वाले घर में कोई नहीं है क्या? वो उसके बेटी की डिलीवरी के लिए सिंगापुर गई है। क्या हुआ सर? जी ऐसा कुछ नहीं, बस इंक्वायरी कर रहे थे। घर पे और कोई नहीं रहता क्या? वो उनका बेटा है सर। उनका नंबर मिलेगा? हाँ अभी देती हूँ। ठीक है जी। पुलिस अपने घर तक आ गई यार। मैंने तभी कहा था कि कार मत निकालो, मत निकालो कार, लेकिन मेरी बात नहीं मानी। अब देखो कार के नंबर से घर तक पहुंच गए। अब क्या होगा यार? बहुत बहुत शुक्रिया। तुम दोनों की वजह से मैं फंस गया। फोन कहाँ तेरा? तूने ही तो मुझसे कहा था कि अपना फोन स्विच ऑफ कर दे, तो मैंने ऑफ करके रख दिया। चमाइला, इतना मुश्किल से फोन नंबर ट्रेस किया, लेकिन 10 दिन से साला स्विच ऑफ आ रहा है। अरे आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं सर? अरे परेशान कैसा नहीं होएगा, अभी मैटर अपना खुद का डिपार्टमेंट का है करके। अगर ये नंबर वाला मिल गया ना, तो मैडम की बहन का केस का पूरा सस्पेंस रफा दफा। चलो ठीक है, स्विच ऑन होते ही मेरे को और मैडम को इन्फॉर्म करना। लगता है आज आप मेरी भी नाइट ड्यूटी करवाएंगे। रवि, रवि, अरे यहाँ क्यों लाया यार? ए, रुक, अरे रवि, अरे सुन ना यार रवि, अरे बात तो सुन, तू जा कहाँ रहा है यार? पुलिस हमें ढूंढ रही है। अरे कुछ बोलेगा, कुछ पूछ रहा हूँ तुझसे, कहाँ जा रहा है? ए श्रवण, तू पूछ रहा है यार? यार तू क्या कर रहा है मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मोबाइल निकाल। अरे तुझे मोबाइल क्यों चाहिए? मैडम, एक सेकंड। हाँ बोलो सुशील। मैडम वो नंबर मैंने ट्रेस कर लिया है मैडम, अशोक राज बस स्टैंड के पास। बस कुछ ही देर पहले अनुराधा नगर 9th Avenue में फोन स्विच ऑन किया गया है मैडम। अभी सिग्नल का मूव कर रहा है, मुझे इन्फॉर्म करो। ओके मैडम। सुशील। मैडम सिग्नल आपसे 100 मीटर की दूरी पर बता रहा है, हो सकता है कि वो आपके आसपास ही हो। मैडम जीपीएस के हिसाब से वो आपके आसपास ही होना चाहिए। मैडम इस वक्त आप जहाँ कहीं भी हैं, सिग्नल बहुत स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है कि वो किसी खुली जगह पर है मैडम। अच्छा आपके आसपास कोई टेरेस है क्या मैडम? सॉरी मैडम, उसने अभी स्विच ऑफ कर दिया। पास के सारे स्टेशन्स पर इन्फॉर्म कर देना, और जैसे ही स्विच ऑन होता है मुझे बता देना। एरिया
एरिया के सारे यूनिट्स को अलर्ट कर दो, हमें इस नंबर को ट्रेस करना है, ठीक है? हर जगह चेक कर रहे हैं सर। देखो पास का टावर कौन सा है, कंट्रोल रूम? सर ट्रेस कर रहे हैं सर, पास के टावर से मालूम पड़ रहा है कि वो इस शहर में ही कहीं है सर। लाओ अपना आईडी कार्ड दो। ओए अपनी आईडी दे। किस लिए? दो देना। ए रवि, जरा रुक तो यार। ए रवि, अरे रवि यार, कुछ तो बता क्या हो रहा है यार। तू तब से चुप है, मुझे डर लग रहा है, कोई खतरे की बात तो नहीं है यार। श्रवण यार, रवि रूम में क्यों ले जा रहा है यार? यार कोई जवाब तो दे, कब से पूछ रहा हूँ, कुछ बोल ही नहीं रहा है। ए रवि, उन्हें हमारी कार के बारे में पता चल गया है, पुलिस मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे घर तक आ गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तू करना क्या चाहता है यार? यार इतनी टेंशन है, तू ये सब कर रहा है सब यार? श्रवण तू ही को समझा रहा है, कब से बोल रहा हूँ, मुझे तो जवाब ही नहीं दे रहा है। अब तुझे डर नहीं लगेगा। सीसीटीवी कैमरा नहीं है, कोने कोने में बोतलें हैं, उसके ऊपर गलत काम भी चालू है और रिश्वत भी नहीं देनी है। ए शिंदे क्या कर तू, चल ऊपर चल। आया, तुझे आके देखता हूँ। अरे यार, अगर तुझे जलाना ही था तो नीचे जलाता यार, यहाँ ऊपर लाके क्यों जलाया?
अरे बाप रे। बोन्स और बॉडी को देखकर तो यही लग रहा है कि मृतक की उम्र 20 या 21 साल के आसपास होगी। सर मैं सब इंस्पेक्टर सुनील गायकवाड़ बोल रहा हूँ। थोड़ी देर पहले कुंदवई मैडम इधर इंक्वायरी के लिए आई थी, उसके बाद ही ये मर्डर हुआ है। वो मेरा बेटा है मैडम। माँ नहीं आई? बड़ी बेटी की डिलीवरी के लिए वो सिंगापुर गई है, मैं भी अब तक वहीं था। बेटे के मरने की खबर आते ही मैंने उससे साथ चलने को कहा। वो मुझसे ये बोलने लगी कि ऐसे नालायक बेटे के लिए मैं नहीं जाऊंगी, आप जाकर सब कर लो वहाँ पर। इसीलिए मैं आ गया मैडम, ताकि मेरे बेटे की लाश अनार जैसी न पड़ी रहे। जब देखो तब वो क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ कहता रहता था। शाम होते ही जब उसके घर आने में देरी होती तो चिंता रहती थी। मेरी बीवी कहती थी अब वो बच्चा थोड़ी ना आ जाएगा, आप शांत हो जाइए। अब वो हमें ऐसे छोड़कर चला गया मैडम। श्रवण मेरा बेटा है, बहुत अच्छा लड़का है, उसके पापा अब नहीं रहे, उसे कुछ मत करना मैडम। आपका बेटा अच्छा है या बुरा ये मुझे नहीं जानना, वो इस वक्त कहाँ है ये बताइए। एक हफ्ते से वो घर पर ही नहीं आया है, भगवान की कसम खा के कहती हूँ मुझे कुछ नहीं पता। क्या है ये? मर्डर स्पॉट में आए लोग जैसे कहानी बताते हैं ठीक वैसे ही रिपोर्ट लिखी हुई है। सर जैसे जैसे हम उसके करीब पहुंच रहे हैं वैसे वैसे वो और लोगों को भी मार रहा है। तो तुम ये कह रही हो कि वो डर से सबको मार रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट में ये बात चल रही है कि तुम्हारी बहन के कत्ल का बदला लेने के लिए तुम ही सारे मर्डर करवा रही हो, इसके बारे में क्या कहना है? देखा जाए तो तुम भी शक के दायरे से बाहर नहीं हो कुंदो भाई। क्यों सर, अपनी बहन की वजह से मैं ये सब करूंगी क्या? अगर किसी को ऐसा लगता है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे हिसाब से सारे केसेस में इंसानियत सबसे आगे है। अगर आपको मुझ पर भरोसा है तभी ये केस मुझे दीजिए सर। बहुत ही जल्द मुजरिम पकड़ा जाएगा, उसे कोर्ट में पेश करके चार्जशीट बनाऊंगी सर। इसका मतलब तुम्हें एक्यूज का पता चल चुका है, तो फिर केस को जल्दी से क्लोज कर दो। थैंक यू सर। क्या माँ बार बार फोन क्यों कर रही हो? कहाँ पर हो? मैंने कहा ना डैनी को वॉक पर लेकर आया हूँ। खाना तो खा के जाते। आप खा लो मैं आता हूँ। जल्दी आओ मैं वेट कर रही हूँ। अरे आप खा के सो जाओ ना। टाइम देखा है क्या हुआ है? घर पे आने का इरादा है या नहीं? आवारों की तरह बाहर मत घूमो, जल्दी घर पे आओ। अच्छा ठीक है डांटो मत, आ रहा हूँ। हाँ ठीक है आ जा। आप ही श्रवण की माँ है ना? क्या हुआ सर, क्या बात है? आपके बेटे को मैडम ने स्टेशन में आकर मिलने के लिए कहा। कुछ हुआ है क्या? डैनी और आपके पापा किसी लाल कार का पीछा कर रहे हैं, तभी उनके साथ ये हादसा हुआ। सारे डिपार्टमेंट में यही बात चल रही है। डैनी थोड़ी देर यहीं पे रुक, मैं आता हूँ। डैनी ए रवि, पुलिस मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे घर तक पहुंच गई है। उन्होंने मेरी माँ से मेरे बारे में बहुत से सवाल पूछे। हम अपनी जिंदगी में खुशी से जी रहे थे। उस मेडिकल स्टोर की लड़की को बीच में नहीं पड़ना चाहिए था, तो मार दिया। नशे में धुत थे तब वो अंधी लड़की अपने जाल में आई तो उसे भी मार दिया। ये सब प्रेस को बताकर अब हमें ढूंढ रही है ना वो इंस्पेक्टर, उसे मारना होगा बिल्कुल जैसे उसकी बहन को मारा था। फोन दे अपना। भाई मत कर, मुझे बहुत डर लग। दे। मेरी बात सुनिए आप। ठीक है बोल। जैसे आपने कहा था मैं बैंगलोर जा रहा हूँ। जब कहा था तब नहीं गया, अब क्यों जा रहे हैं? मुझे कार और कुछ पैसे चाहिए। ए,
बैंगलोर जाने के लिए कार क्यों चाहिए और पैसे क्यों चाहिए? तू पहले खाना फिर बताता हूँ। मैडम, मैं नितिन कक्कड़ बोल रहा हूँ मैडम। हाँ बोलो नितिन। उसकी कोई जरूरत नहीं है, जो कहा है वो करो। सुबह के 5 बजे से गाड़ी इधर ही खड़ी है। अपने लोग तुरंत स्पॉट पे आ गए थे मैडम। सस्पेक्टेड कारें देखकर आपको तुरंत कॉल किया। हम इस गाड़ी और लड़के को ही ढूंढ रहे थे। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म करो, एक भी एविडेंस मिस ना हो। ओके मैडम। उस बॉडी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्दी मुझे चाहिए। जी मैडम। बारह साल पहले की बात है, मैंने अपनी बीवी को खो दिया था। मेरे बेटे ने अपनी माँ को खो दिया। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तब माँ बाप उन्हें हर चीज लेकर देते हैं, लेकिन कॉलेज में जाते ही उनसे सवाल पूछने लगते हैं। लेकिन मैंने नहीं पूछा। एक लौता बेटा है, जब भी वो पैसे मांगता था मैं जरूरत से ज्यादा देता था, लेकिन ये नहीं सोचा कि इन पैसों से उसकी जिंदगी बदल जाएगी। और उसे वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया। मेरे हॉस्पिटल में मुझसे छुपकर वो पीसीपी नाम की दवाई नशे के तौर पर यूज करने लगा। इसके अलावा वो मेरे ही हॉस्पिटल के पर्चे का गलत इस्तेमाल करने लगा और मेडिकल स्टोर से दवाई खरीदने लगा। दीजिए सर, फिनीसाइक्लिडिन। सर इतना ज्यादा डोज क्यों चाहिए? कितने पैसे देने होंगे? किसका ऑपरेशन है सर? डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है ना, दे दीजिए। 5 ml का 10? नहीं सर, कोई डॉक्टर इतने हाई डोज का प्रिस्क्रिप्शन नहीं देते। आपको क्यों चाहिए? ये तो डॉक्टर मुरली की राइटिंग ही नहीं लग रही। सर मैं इस डॉक्टर के साथ काम कर चुकी हूँ, ये उनका साइन नहीं हो सकता। आपको ये क्यों चाहिए, सच बताइए। उस डॉक्टर का बेटा हूँ मैं। हाँ तो मेडिसिन दीजिए। पहले मुझे उनसे बात करनी होगी, अगर उन्होंने हाँ कहा तो मैं देती हूँ, ठीक है ना? रुकिए। हेलो, क्या हुआ, बोलिए ना। नहीं चाहिए। बोल रहा था डॉक्टर का बेटा है, फिर ऐसे क्यों भाग रहा है? चुपचाप उनको इन्फॉर्म करती हूँ। हेलो डॉक्टर। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे लगा कि वो बिगड़ रहा और मैंने उसे पैसे देने बंद कर दिए। ए रवि,
कहाँ जा रहे हैं? फ्रेंड के पास। बस कहाँ है? ये क्या कर रहे हो पापा? रुक, मुझे देखने दे। मैं मार दूंगा। इतना सब कुछ उसने किया, फिर भी मैंने ये नहीं सोचा कि एक दिन वो किसी का मर्डर करेगा। एक मिनट भैया, मैं बैठ रही हूँ। इसका नाम रवि है। सोनम और माधवी को इसी ने रेप करके मारा था। देखो इसे, इसकी फोटो हर पुलिस स्टेशन में फैक्स कर दो। अभी के अभी। ठीक है मैडम। सिटी के अंदर आने वाली गाड़ियां और बाहर जाने वाली गाड़ियां सब चेक करना। जा डैनी, जा जा। नितिन,
मैं ठीक हूं मैडम। Ah!
बाद में बात करता हूँ। कल्प्रिट वांटेड का पोस्टर लगाने से आपका काम खत्म हो चुका है क्या? पुलिस एक अपराधी को पकड़ सकती है, लेकिन पब्लिक उस अपराध को रोक सकती है। तो मैडम कितना समय लगने वाला है उसे ढूंढने में? मैम, एक्सक्यूज मैडम, प्लीज एक सवाल। मैम प्लीज जरा। कुंदवई। यस सर। मिनिस्टर को अब मुझ पर भरोसा नहीं रहा। सीबीसीआईडी को केस ट्रांसफर करने का प्रेशर डाल रहे हैं। तुम क्या कहना चाहती हो? सर, जैसे उन्होंने कहा है कि सीबीसीआईडी को दे दो। क्या मतलब? थैंक यू सर। मैडम, ये आप क्या कह रही हैं? उसके एडिक्शन की वजह से वो औरों की जान ले सकता है। उस पर केस फाइल करके, कोर्ट में पेश करके, जेल भेजकर क्या फायदा होगा? फिर से बाहर निकलेगा और वही दोहराएगा जो वो पहले कर रहा था। मेरे हिसाब से मैंने सही किया है। घर की चार दीवारी में हम सपने देखते हैं। अगर आज इतने आगे बढ़े हैं तो सिर्फ पढ़ाई की वजह से। एसिड का डर दिखाकर, चाकू दिखाकर, जो कहते हैं कि शादी ही सब कुछ है, वो हमें उन्हीं चार दीवारी के पीछे फिर से भेजने की कोशिश करते हैं। अगर किसी से लड़ना है तो उन लोगों से लड़ना पड़ेगा जो हमारे खिलाफ हैं, तभी हम जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। ट्रेंड कुत्तों से बेहतर सड़क के कुत्ते होते हैं। आजकल अखबार वालों को कुछ और बेहतर नहीं मिलता छापने को। टाइम बर्बाद कर दिया। मोटे गंडे, मुझे लगता है कि तू उसका खाना चुरा कर खाता है, इसलिए मोटा हो रहा है। इनको भी पता है सारा खाना आप खा जाते हो, मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। कमाल है। अरे इसको कैसे पता चला? क्या ताऊ, अकेले बैठ के क्या बकबक कर रहे हो? यही कि भतीजे की शादी के बाद मैं कैसे खुश रहूंगा। अरे छोड़ो ना ताऊ, सिंगल लाइफ बेस्ट है। चल एक काम कर, अपनी बीवी को छोड़ दे और उसके बाद हम दोनों के दोनों एक साथ रहेंगे सिंगल, क्या बोलता है? अबे ओ, रिश्तेदार है तो सिर पे मत चढ़, मुंह से गाली वाली निकल जाएगी तो रोएगा। अबे ये पैकेट डैनी को देगा क्या? बंदर भी ऐसे ही खाने के आइटम छीनते हैं। क्या इसमें बोलना? आजा डैनी।
ए, छोड़ इसको, मजा आ गया। ए, ताऊ तेरा डब्बा नहीं है, छोड़। अबे डैनी के लिए लेके आया था, क्यों अच्छा लगा? चलो अच्छी बात है, अभी डाउट क्लियर हो गया, अब डैनी को भी पसंद आएगा। डैनी आ जा। सर जी आप भी लीजिए। क्यों ये मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है? ए, तुझे लगता है कि वो आएगा अपनी माँ को लेकर? क्यों रे, तेरे पापा को गए एक साल भी नहीं हुआ, इतनी शादी की क्या जल्दी है? अरे तो मौत के बाद कभी परिवार में शादी हो ही नहीं सकती क्या? ये लो माला। हाँ ये तुम भी लो, चलो अब ये पहनाओ एक दूसरे को। तुम्हारे पिताजी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा।